कैसा मालूम है कि आपकी बहन के साथ ये हुआ? बोलते वो अंकल मजे या तो डेली पे क्या के डेली सताते थे। आप वहाँ वर्क करते थे? हाँ, काम करते थे? हाँ, जी काम करते थे। तो घर पर कोई भी नहीं थे जिस दिन हुआ ये हादसा? उनके बीवी उनके बच्चे लोग। तो लोग को नहीं पता चला? उन लोग और एक रूम में सो जाते थे। तो फिर इन्हों आपकी बहन चिल्लाए करे कुछ नहीं? वो अंकल डरा है आपके फैमिली प्रॉब्लम होता बाद में करके डरा तो क्या टाइमिंग पे हुआ था ये हादसा? ये नाइट में 1-2 बजे जी। क्या टाइमिंग पे दौड़ से बजे आप? 1-12 बजे ऐसा बज रहा था नाइट। 12-1 बजे जी। तो वो टाइम में हमारे दीदी को उठे थे जी। हम दोनों एक जगह सो गए। तो उनके घर पर आप लोग क्यों गए इतनी रात? घर में काम करते काम करते थे। उठ के जाने की वजह? घर में रहते थे हम। इनके घर में रहते तो उन्होंने बुलाए थे आपको या आप गए थे? अंकल उन्होंने उठाया अंकल जी। हाँ, उठा के क्या बोले? ऊपर आओ काम है बोल के बोला हमारे। हाँ, ऊपर गए हैं जी। कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर। दोनों को बुलाए थे? आप दोनों को? आप दोनों को बुलाए थे? एक को बुलाए थे तो हमारे दीदी को? दीदी को बुलाए थे जी। हमारे दीदी के साथ हम भी गए उनके साथ जी। तो गए तो मधु यादव बोला कुछ भी तेरा काम नहीं है तू नीचे जा सो जा। हाँ। तुम्हारे दीदी से काम है बोल के बोलो। हाँ। तो मैं आकर सो गया नीचे। हाँ। तो सो गया तो उतर रहे तो आवाजा दरवाजा लगा लिया जी। तो लगा लिया वैसे हम आके जाके आप खटका नहीं मारे दरवाजा लगा लिया? जब आपको आवाज आई दरवाजा लगा से तो खटका नहीं मारे आप? नको बोल काम नहीं है सो जाओ जा बोल के बड़ा। एक बात आप ये बोलो जब मधु अकेला था या मधु और कुछ साथ में थे? वो अकेला थे। क्या घर की कोई फैमिली मेंबर थे साथ या जो दोस्त वहां थे? नहीं वो अकेला। अच्छा, नहीं जब ड्रिंक करा तो नहीं ड्रिंक काम पे करा घर पे करा बाहर से कर गया था? बाहर करके। अच्छा कुछ ना जी बाहर कर गया। तो आप लोग को उठाने की वजह जब उठा के काम में बताया क्या काम है आप लोग ने पूछे? नहीं पूछे उन्होंने ऊपर बुलाया हमारी दीदी के। और एक बात आपको भी बाद में क्या पता चला कि बच्ची का इंतकाल हो गया हो गया? 4 बजे उठते हैं। इसके बाद आपको आगे उठाए क्या? आपको ही उठे? उनके बीवी उठाए। क्या बजे उठाए आपको? उठो उठाए। हाँ, इसके बाद तो हमारे दीदी नहीं है हमारे पास। हाँ। तो जाके देखो उधर दरवाजे पूरे लगे हुए है। हाँ। तो उनके बीवी पहले जाके फर्स्ट फ्लोर में देखे। अच्छा। तो आपकी दीदी नहीं है बोलते बोले। हाँ। तो हम दोनों जाके सेकंड फ्लोर में देखे उन्होंने और एक रूम में देखे हम इधर के रूम में देखे। तो हमारे वो हमारे दीदी के ऐसे रूम में देखे हैं। तो हमारे दीदी फैन को फंसे जाने भी तो वो सीएम के जो जो बुलाए मधु यादव बुलाए तो इनके रूम में छोड़ फांसी डाल लेके मधु यादव फर्स्ट फ्लोर में आके सो गए। सो गए। अच्छा मधु पार्टी कोई पार्टी से है यार इस पार्टी से? आपको क्या मालूम है पार्टी का लीडर है वो है? अच्छा ठीक है। इनकी फैमिली वाले आपको क्या बोले बाद में? आपको आपकी बहन का ये हो गया बात? पुलिस वाले पुलिस मधु यादव करा। अच्छा मधु यादव पुलिस वाले फोन करा तो हम लोग उनको फोन करे वास्ते फोन लग दिए वास्ते आपको ऐसे झूठे बातें बोलना ना तो आपकी फैमिली पर कौन बोले ये मधु यादव क्या बोला वगैरह? आपके दीदी को पेट में दर्द हुआ तो 2 बार वॉशरूम को गए फिर 3 बार गए आपको नहीं उठा जाके ऐसा कर लिए बोल के। तो आपका घर नीचे? हाँ रूम। तो मधु यादव ये बात बोले कि आपकी बहन को पेट में दर्द हुआ 2 बार वॉशरूम 3 बार को आपको नहीं उठाए तो ठीक है। तो आपका क्या कहना है कि आपकी बहन वाकई सुसाइड कर लिए से है या कुछ रेप और मर्डर हुआ से? ये सही से बोला नहीं मधु यादव ये पहली बार छेड़े आपकी बहन को नहीं जिससे कहीं कुछ हमेशा छेड़ देते हमेशा गलत हरकत करते थे। अब आपकी बहन का क्या है मतलब क्या वाकई आपकी बहन सुसाइड कर लिए से या कोई मारिश से? उन्होंने फांसी डाल दिया। कौन डाले? मधु यादव। अच्छा और ये क्या बोलते आपकी बहन अच्छी हालत में थे या नहीं? अच्छी हालत सही नहीं थी उनकी? अच्छी थी। नहीं नहीं सुसाइड डाले खुद हालत जब आप देखे तो उनकी हालत कैसी थी सुसाइड पर? जब आप सुबह देखे खुद उनकी हालत सही थी जिस तरह से आपके साथ उठ के गए ऊपर इन्हों मधु यादव बुलाए तो वैसी थी हालत या नहीं कुछ मारम कहीं पर भी निशाना वो ये कुछ भी एक्सरसाइज? हाँ इधर आइए आप क्या होना बच्ची को आप भी साथ नहीं उसमें तो कहाँ कहाँ बॉडी पे मारा पड़े थे? हाथों पे ये कराते थे ये सब पैरों पे जी। तो
गोसल देते खुद में नहीं, गोसल देते खुद देखे आप सही बात है। जब बाउड़ी को जी ने देखे तो जब बाउड़ी सही हालत में थी क्या पूछ रहे में जब फांसी डाल दी है हम पकड़ के खोल रहे तो उनके बीवी धकल दिए नाक को छियो बोल के वो कर। अच्छा कंप्लेंट में नाम किसका कोड नंबर लिखा पुलिस ने? कंप्लेंट को जो पुलिस ने लिखा आपका नाम है आपके पापा का नाम है।